चलती है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस भट्टी दादन के चौराहे पर दूर दराज से आए हुए क्या पता है, जो सरकार है आज कोई सड़क ही बेच, रेल तो बेच ही दिया, इन्होंने बेचने का इन्होंने प्रोग्राम चालू कर दिया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तरफ ना मायूसी है, मायूसी है। इंसानों के लिए जनता के वादा के साथ बता सकते हैं, दावे के साथ, कि जो वर्तमान सरकार है सिर्फ इन्होंने उद्घाटन नहीं किया है, किसी चीज का निर्माण कंप्लीट नहीं किया। सरकार दोबारा अगर आई समाजवादी पार्टी की, फिर सड़कें उसी तरह जगमगा उठेंगे। अखिलेश यादव जी का जो नारा है, उस नारा को हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मुलायम सिंह। मेरा नाम मनन दुबे, मैं समावेश छात्र सभा का प्रदेश सचिव हूँ। क्या बात है, आज आप लोग काफी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, कैसा मामला? आज हम लोग सांकेतिक रूप से बैलगाड़ी से आकर माननीय जिला अधिकारी के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किए, इस प्रदेश में, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। जैसा कि आप मीडिया साथी आप लोग जानते हैं, इस देश में जब पिछले 7 साल पहले भाजपा की सरकार नहीं थी, और भाजपा की सरकार के पहले भाजपा के द्वारा, भाजपा की सरकार के लोगों के द्वारा जिस तरह से महंगाई को लेकर नंगा नाच किया जाता था, वर्तमान की सांसद स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सदन के सामने प्याज और आलू लेकर जिस तरह से गैस को लेकर नंगा नाच करने का काम किया था, आज उनके चेहरे पे, उनकी आंखों पे पट्टी बंध गई है कि आज उनके सरकार में पिछले 7 सालों में जो गैस का दाम 450 था वो 1000 के पार हो गया है। जो गरीबों को गैस की दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको पेट्रोल भराने में दिक्कत आ रही है, वो इसका सीधा सीधा असर नौजवान किसानों, गरीब परिवार पर पड़ रहा है। सरकार ने तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया था सबको, चूल्हा दिया था, तो अब कैसे पास? आप जागरूक साथी हैं, आप मीडिया के साथी, आप लोगों ने देखा कि जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटने का काम किया गया, लेकिन उस गैस का दाम 1000 पार कर दिया गया। जो आदमी, गरीब आदमी को आप फ्री में गैस चूल्हा दे रहे हैं, और उस गरीब आदमी को सिलेंडर भरवाने के लिए 1000 रुपये का महंगाई कर देंगे, तो आदमी कहाँ से भरवा पाएगा? आप देख लीजिए गांव में स्थिति, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है, वो लोग
अपने सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं और उस तरह खाली पड़ा हुआ है। इतने लोगों तो अपने सिलेंडर को बेच दिया है कि हम लोग जब उसको भरवा नहीं सकते इतनी महंगाई में, तो सिलेंडर को मैं रख के क्या काम करूँगा। टेन पास हो गया है सर, क्या कहना इसके बारे में? मंत्री जी पूरी तरह से झूठ के पुलिंदा हैं। हम मंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। आपको बता दें कि ना तो ये सड़क पास हुई है और ना ही इसका कोई टेंडर हुआ है। अगर टेंडर हुआ हो सड़क पास का, तो मैं कहता हूं कि मैं आज ही समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सड़क जो अन्य जिला मार्ग में इन्होंने प्रस्तावित किया है वो 551 नंबर पर है और पूरे प्रदेश के अन्य जिला मार्ग में मात्र 550 करोड़ है, जिससे 20 से 25 सड़कें बन सकती हैं। और ये सड़क जब 551 नंबर पर है तो ये सड़क कोई सवाल ही नहीं है कि ये सड़क बन पाए। इसलिए हम इस झूठे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री झूठे मंत्री सूर्य प्रताप शाही की निंदा करते हैं और उनके झूठे घोषणा को थू करते हैं कि इस तरह से जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए।